नमस्कार प्राइम 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाश में बिजली गिरने से लोगों की मौतों पर जताया दुख। इसके स्वामी के निधन पर संजय राउत बोले, सरकार को 84 साल के वृद्ध से कैसा खतरा, हिरासत में मौत न्योचित नहीं। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी, अंतनाग श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की रेड, 5 लोग किए गए गिरफ्तार। यूपी में अलकायदा के नए मॉड्यूल का खुलासा, पुलिस का दावा, लखनऊ समेत 6 जिलों में फिदायीन हमला करना चाहता था आतंकी, पाकिस्तान से रची जा रही थी साजिश। सरकार के बाद अब संगठन में बदलाव की तैयारी, रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजपुरा में किसानों व पुलिस ने बेभिड़ंत बंधक, भाजपा नेताओं को छुड़ाने के लिए लाठीचार्ज, किसानों ने किया पथराव। यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए अहम भूमिका निभाएंगे भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी से की मुलाकात। भोपाल में कोरोना आपदा में धरना प्रदर्शन और शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा समेत 200 पर दर्ज हुआ मुकदमा। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली में पेयजल की किल्लत के लिए आपकी सरकार का कुप्रबंधन और टैंकर माफिया है जिम्मेदार, ऑक्सीजन की तरह पानी का भी होना चाहिए ऑडिट। प्रीतम मुंडे को मंत्रिपरिषद में स्थान न मिलने से नाराज, बीड जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। भारत में बढ़ा डेल्टा वेरिएंट का खतरा, केंद्र ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग और हर जिले में सैंपल साइट बनाने के दिए निर्देश। हरियाणा में 19 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया गया है फैसला। पानी पर फिर भिड़े हरियाणा और दिल्ली, आप सरकार की कम जलापूर्ति के आरोप पर हरियाणा सरकार ने लगाया झूठ बोलने का आरोप। मुख्यमंत्री आवास पर बसों की खरीद में घोटाले की बात लिखी तख्तियां लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन, मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। लालू की ताकत, एमवाई समीकरण को बचाएंगे विशेष दूत, कमजोर पड़ते चिराग से मिले श्याम, रजब गठबंधन में आने का दिया न्योता, शहाबुद्दीन के परिवार से मिले सिद्ध। बुलंदशहर में लोगों की सुनवाई के लिए लगा लोक अदालत, लंबित चल रहे मुकदमों की गई सुनवाई। बुलंदशहर में अज्ञात बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। प्रतापगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद पर जीबैनामा कर पीड़ित को भगाया, न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार। सहारनपुर में सपा प्रत्याशी की हार के बाद समर्थकों का प्रदर्शन, मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में बदमाशों की प्लानिंग हुई फेल, एटीएम को लूटने की फिराक में थे बदमाश, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस।
कुशीनगर में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। कुछ ही मिनट के अंदर महिला को दोबारा लगी वैक्सीन। आरोपी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायबरेली में तंत्र मंत्र की आड़ में महिला का उत्पीड़न। तांत्रिक ने महिला को जमकर पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजनगरी आगरा एक घर को चोरों ने निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों की चोरी कर हुए चोर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में कमरे में मिला लापता प्रेमी प्रेमिका का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शहर में पेड़ से लटकता युवक का मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। खेतों में बकरी चराने गया था बुजुर्ग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर से निपटने के लिए शुरू की तैयारी। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य हुआ शुरू। रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भाजपा पर लगाया आरोप। सपा समर्थित प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला कराने का लगाया है आरोप। लखीमपुर खीरी में पुलिस लाइन में बच्चों ने किया पौधारोपण। 150 पौधे किए गए रोपित। मौके पर पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। यूपी में वीकेंड पर भी खुलेंगे जू। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जू खोलने की यूपी सरकार ने दी अनुमति। लखनऊ में एटीएस द्वारा पकड़े गए आतंकियों के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी। रायबरेली में सीओ सिटी की अगुवाई में वाहनों की हुई सघन चेकिंग। सीतापुर में विशेष वन सचिव ने किया वृक्षारोपण। समाजसेवी सरोज दीक्षित ने जामुन का किया पौधारोपण। मौके पर अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। सोनभद्र में भारतीय युवा कांग्रेस ने निकाली साइकिल यात्रा। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ किया प्रदर्शन। बढ़ते दामों को तत्काल चुनाव से वापस लेने की थी मांग। आम आदमी पार्टी चला रही है यूपी जोड़ो अभियान। एक माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का है लक्ष्य। कई लोगों को आम आदमी पार्टी की ग्रहण कराई गई है सदस्यता। मैनपुरी में 3 सिर के अद्भुत बालक का हुआ जन्म। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित। सूचना पर अस्पताल में इकट्ठा हुई भीड़। आगरा में दरोगा की खुलेआम दिखी दबंगई। युवक के साथ जमकर की मारपीट। एसएसपी ने दरोगा को किया लाइन हाजिर। कानपुर में आकाशीय बिजली से कई लोगों की हुई मौत। घायलों को सीएचसी और जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तहसील प्रशासन ने बचाव कार्य किया शुरू। मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। मौके पर युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में बारिश के बीच बिजली बनी काल। प्रयागराज और आसपास के 19 लोगों की हुई मौत। लोगों की मौत से मचा हाहाकार। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से नदियों में आया उफान। जान जोखिम में डाल बच्चे बहाव को कर रहे हैं पार। मूसलाधार बारिश से ग्रामीण परेशान। शाहजहांपुर में माइक्रोनी खाने से बाप बेटे की मौत। 3 दिन से बाप बेटे की मौत से घर में मचा है कोहराम। मौत की खबर पर डॉक्टर और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम देर रात गांव पहुंची।
हाजीपुर में शराब के नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाईवे पर युवक करता रहा घंटों तक ड्रामा। कानपुर बांदा रेल खंड पर मिला युवक का शव। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के उड़े चिथड़े। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटीएस ने कानपुर से दो संदिग्धों को लिया हिरासत में। बीते रविवार को लखनऊ में पकड़े गए थे दो आतंकी। आतंकियों से मिले थे कानपुर के रक्षा प्रतिष्ठानों के नक्शे। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का मामला। दरोगा असलम दीवान हुए लाइन हाजिर। लखनऊ में साप्ताहिक बंदी का पालन कराने में पुलिस नाकाम। कमिश्नरेट नहीं करवा पा रहा है सीएम के आदेशों का पालन। साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुल रहा है रेस्टोरेंट। सोनभद्र प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने पर युवती ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में तहसीलदार के फॉलोवर ने की आत्महत्या। सरकारी आवास पर फांसी लगाकर दी जा। चमोली में प्रधान संगठनों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर है प्रधान संगठन। चमोली में धरने पर बैठे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूर 5 महीने से वेतन न मिलने का लगाया आरोप। चंपावत में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ उद्घाटन। शिक्षा राज्य मंत्री अरविंद पांडेय ने किया शुभारंभ। बच्चों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ। धनौरी में गंगनहर में कई मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने रेस्क्यू कर भेजा चिड़ियाघर। पौड़ी में समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में 78 वादों का हुआ निस्तारण। प्रयाग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुफ्त बिजली को लेकर सरकार पर बनाया दबाव। अल्मोड़ा में बिजली कटौती की समस्या से मिलेगा छुटकारा। शासन ने पास किया 4.5 करोड़ का बजट। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हाईवे पर आवागमन बाधित। कई गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। रोशनाबाद में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग। पर्वतीय बंधु समाज समिति ने उठाई है मांग। चमोली में भारी बारिश से बंद हुआ हाईवे। हाईवे पर मलबा जमने से आवागमन हुआ बाधित। हाईवे अथॉरिटी ने हटवाया मलबा। अल्मोड़ा में हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं रोडवेज कर्मचारी। मांगे पूरी ना होने पर करेंगे बड़ा प्रदर्शन। हैदराबाद में पुलिस ने पौधारोपण का चलाया अभियान। हरेला पर्व के मौके पर चलाया यह अभियान। पुलिसकर्मियों ने लगाए 170 पौधे। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की शुरुआत। पेयजल की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। इलाके में बनेंगे 7 पेयजल टैंक। अल्मोड़ा में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान। वन विभाग की मुस्तैदी से पकड़ा गया है तेंदुआ।
ऋषिकेश में आरोपी बाबा ने की महिला के साथ ठगी, पुलिस ने आरोपी बाबा को किया गिरफ्तार। मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मौका देखकर एक आरोपी फरार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल। हरिद्वार में पुलिस ने किया डकैती का बड़ा खुलासा, मामले में तीन आरोपी हुए गिरफ्तार। अमेरिका में आसमान से गिरी आग, डेथ वैली में तापमान 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटे रिचर्ड ब्रैंसन, शीर्षा बांदला भी प्लेन में रही मौजूद। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा तालिबान को रोकने के लिए अफगान सेना के साथ लड़ाकू की मौजूदगी हालात को कर सकती है खराब। इथियोपिया में पीएम आबी अहमद की पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत, अभी अहमद 5 साल और सत्ता में बने रहे। चीनी कंपनियों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर ड्रैगन ने दी तीखी प्रतिक्रिया। वैक्सीन निर्माता फाइजर की योजना पर अमेरिका में छिड़ा विवाद, देश भर में पैदा हुई भ्रम की स्थिति। राष्ट्रपति जोवेनल मोसे की हत्या के संदिग्धों का बड़ा बयान, का हमारा मिशन गिरफ्तारी था, उन्हें मारना नहीं। यूएई ने इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के यात्रियों के प्रवेश पर लगाई है रोक। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, जवाबी हमले में 109 आतंकियों को किया गया है। पोप फ्रांसिस ने अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को किया अभिवादन, सभी संडे एंजल्स के लिए हुए थे। चीन में एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों का भविष्य संकट में, यात्रा प्रतिबंध के कारण नहीं लौट पा रहे हैं भारत। चमगादड़ में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाने वाले प्रोजेक्ट की चीन ने की मेजबानी। अमेरिका समेत 21 देशों ने हांगकांग के अखबार एप्पल डेली की बंदी का किया है विरोध। मुस्लिम लीग लीडर बोली, पाकिस्तान पीएम ने क्रिकेट बैट दिखाकर चुनाव में चोरी की है, अब उनका चुनाव चिन्ह चोर होना चाहिए। सऊदी अरब ने आजियो की जारी की लिस्ट, 150 देशों से 60,000 लोगों को चुना गया। बेल्जियम में कोविड 19 संक्रमण का अनोखा मामला, बुजुर्ग महिला एक साथ दो अलग कोरोना वैरिएंट से हुए हैं संक्रमित। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने फिर उगला जहर, कहा भारत को अफगानिस्तान से निकलना ही होगा। बांग्लादेश ने खालिदा जिया को नजरबंद रखने की रिपोर्ट पर ब्रिटिश उच्चायुक्त को किया है तलब।
धरती से कभी भी टकरा सकता है सोलर तूफान। 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा स्टॉर्म, इससे जीपीएस मोबाइल फोन सिग्नल भी हो सकते हैं कमजोर। टीकों का अंतर 8 की जगह 4 हफ्ते करना चाहते हैं जॉनसन। 19 जुलाई को अनलॉक से पहले पीएमओ ने कमेटी से मांगी है सलाह। के बाद अजय देवगन की एक और दमदार पेशकश, कुछ द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर हुआ रिलीज। पाकिस्तान एक्ट्रेस मायरा खान ने कर लिया सीक्रेट शादी, एक्ट्रेस ने खुद बताई है सच्चाई। छह महीने की हुई अनुष्का और विराट की बेटी वामिका पार्क में पिकनिक पर जाकर सेलिब्रेट किया स्पेशल डे, अनुष्का ने शेयर की है फोटो। सिनेमाघरों में ही रिलीज हो गया आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। संजय लीला बंसाली बोले किसी भी कीमत में ओटीटी पर रिलीज नहीं करेंगे फिल्म। किडनी फेलियर से जूझ रही है टीवी शो नामकरण क्राइम पेट्रोल में काम कर चुकी अनाया सोनी, घर चलाने और इलाज के लिए सोशल मीडिया पर मांगी आर्थिक मदद। चिप की कमी से पीसी शिपमेंट्स पर बुरा असर, वर्क फ्रॉम होम की वजह से लगातार बढ़ रही है मांग लेकिन सप्लाई 45% तक घटी। एयरटेल जियो और वीआई के इन प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा सहित कई सुविधाएं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, 130 किलोमीटर की मिलेगी ड्राइविंग रेंज। हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025 तक व्यापार के विस्तार में 700 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। पेट्रोल डीजल में इससे सुधर नहीं राजस्व की सेहत, केंद्र को अपने बजट अनुमान से 1.3 लाख करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिलने की है उम्मीद। इटली ने 53 साल बाद यूरो कप जीता, पेनल्टी में इंग्लैंड को हराकर इटली ने छठा मेजर टूर्नामेंट जीता। बनूची फाइनल में गोल करने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड पर जीत, दूसरे टी20 में टीम इंडिया की 8 रन से जीत, सीरीज 1-1 के बराबर। दीप्ति की ऑलराउंडर प्रदर्शन में हारी बाजी। जोकोविच का इस साल तीसरा ग्रैंड स्लैम, नोवाक जोकोविच ने 6वीं बार विंबलडन और 20वीं बार ग्रैंड स्लैम जीता, फेडरर और नडाल की बराबरी की। मेसी ने किया तेंदुलकर जैसा कारनामा, देश को 28 साल बाद इंटरनेशनल खिताब जिताया। लियोनल ने लगातार 3 फाइनल हारने के बाद 2016 में लिया था संन्यास। श्रीलंका सीरीज से पहले पांड्या ब्रदर्स की मस्ती, हार्दिक और कुणाल के बीच जिम में हुआ मुकाबला, 3 चैलेंज की शर्त लगी और नतीजा बराबरी का। फिलहाल के लिए इतना ही, देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।